Good morning, students. This is me, Arjuna. From now onwards, I will take your social science. You are having total 4 books. One is workbook, the other is the earth and our habitat, history and social and political life. So we are starting with social and political life, part 1 book. चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, ठीक है, जो हम सब में हैं. इवन अगर सिंपली अगर देखा जाए, सबसे पहले हम लोग अपने होम से स्टार्ट करते हैं, घर से. घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, क्या सब सेम हैं? सबके कलर अलग है, सबका टेस्ट अलग है, सबके प्रेफरेंसेस अलग है, क्लोथिंग कपड़े पहनने का तरीका अलग है. इवन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, जो बिल्डिंग्स बने हुए वो सारे अलग है, ठीक है. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इन सब चीज़ों के बावजूद हम अपने घर परिवार में रहना छोड़ देते हैं, या हमारे टेस्ट सेम नहीं मिल रहे, हम दोनों सेम नहीं है करके हम अपनी फैमिली में नहीं रह रहे, या अपने फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. अगर नॉर्मली हम ड्राइंग की ही बात करें, तो आप जो ड्राइंग बना रहे हो या आपका जो फ्रेंड बना रहा है, सारे ड्राइंग्स जो है डिफरेंट होंगे, ठीक है. क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे अलग अलग हैं, उनके हाइट, साइज, टेस्ट, रिलीजन, कास्ट, ये सारी चीज़ें अलग अलग है, ठीक है. तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, जो अलग अलग टेस्ट है, वैरायटी है, उसको हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं. और आपने सुना होगा इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री बोला जाता है, मतलब कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, जिनका टेस्ट, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन सारा कुछ अलग है, ठीक है. अब किसी भी चीज़ में बात कर ले हम लोग, सबका वैरायटी सेम तो नहीं रहता. इवन टेक्नोलॉजी, जो मोबाइल फोन्स है, वो भी अलग ही है ना. तो क्या आप ऐसे वर्ल्ड में रहना चाहेंगे जहाँ पे सारी चीज़ें सेम हैं, और क्या बोलते हैं, वहाँ वैसे वर्ल्ड में आप रहना चाहोगे, या फिर आज जहाँ पे जैसे रह रहे हो आप वैसे रहना चाहोगे, ठीक है. तो यहाँ सबसे पहले चैप्टर 1 है हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ओके. यहाँ पे एग्जांपल, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ डाइवर्सिटी, मतलब कि जो डिफरेंसेस क्या होते हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है. यहाँ पे 3 पिक्चर्स बने हैं इस बुक में. इसमें लिखा है कि बच्चों, यहाँ पे बच्चों ने अलग अलग बच्चों ने अलग अलग डायग्राम बनाए हैं, पिक्चर्स बनाए हैं. तो क्या उनके सारे डायग्राम सेम हैं? नहीं, उनके डायग्राम में जो है, ड्राइंग में डिफरेंसेस है. आप भी अपना ड्राइंग यहाँ पे बुक में स्पेस जो दिया हुआ है वहाँ बनाओगे, तो आपका भी जो ड्राइंग है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है. अब ये एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि 2 बच्चे हैं. इस कॉलम में आपको अपना टेस्ट या प्रेफरेंस लिखना है कि आप जब बाहर जाते हो तो आपको क्या पहनना पसंद है, आप घर में कौन सा लैंग्वेज बोलते हो, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, और आप कौन सी बुक पढ़ना पसंद करते हो. तो अगर हम देखें, जैसे क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट है, और अगर इस कॉलम को हम लोग फिल करने बोलेंगे, तो सब बच्चे जो है अलग अलग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने हॉबी के अकॉर्डिंग फिल करेंगे. तो क्या सारे आंसर्स सेम हैं? नहीं, सारे आंसर्स अलग है. लेकिन फिर भी वो सारे बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और एक दूसरे के फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मींस उनके जो है लैंग्वेजेस, कल्चर, ट्रेडिशन, कास्ट सारे अलग है, फिर भी उनमें एकता है, फिर भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ उन्हें अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो उनके साथ को, उस अपनेपन को प्रेफर करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, ये पिक्चर देख लीजिए. इस पिक्चर में क्या है, 2 बच्चे हैं, एक साइकिल पे है और एक नीचे खड़ा है. रोड है, रोड के पास, एक जनपद के पास क्रॉसिंग है और सिग्नल लगा हुआ है. तो ये जो चल रहा हुआ है, नीचे जो बच्चा है, ये दोनों बच्चे का नाम समीर है. ये एक जो नीचे बच्चा है वो न्यूज़पेपर सेल करता है, और हेडलाइंस भी बीच बीच में बोलते रहते हैं, जैसे सेल करते हैं तो नहीं, सेलर लोग बीच में चिल्लाते हैं वैसे. तो एक साइकिल में बैठा बच्चा उसके पास आता है, और वो बोलता है कि मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर दो. तो वो बोलता है हिंदी? वो उसे देख के चौंक जाता है, तो बोलता है हाँ हिंदी,
क्यों मैं हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता क्या? तो वो बोलता है कि पढ़ सकते हो, लेकिन आप तो मुझे अंग्रेज जैसे दिखते हो, मुझे नहीं लगता था कि आपको हिंदी आती होगी। तो वो बोलता है कि मैं स्कूल जाता हूँ और हमारे स्कूल में हिंदी एक सब्जेक्ट है जिसे मैं पढ़ता हूँ। तो वो बोलता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है? तो वो बच्चा बोलता है कि फिर वो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल ऑन हो जाता है लाइट, तो वो बच्चा चला जाता है। तो दूसरे दिन फिर वो आता है और उसे समझाता है सब्जेक्ट एक ऐसा चीज़ है जिसे आप पढ़ते हो क्लास में। इतना ही बोलता है कि फिर लाइट हो जाती है, फिर वो चले जाता है। फिर तीसरे दिन मिलते हैं तो फिर वो स्माइल करता है और बोलता है कि मेरा नाम समीर है, आपका नाम क्या है? तो वो बोलता है मेरा नाम भी समीर है। ठीक है, तो इतने में फिर वो बच्चे को, साइकिल वाले बच्चे को जाना रहता है, तो वो चले जाता है। तो वो पीछे से चिल्लाता है कि मेरी जो फैमिली है, मेरी जो मदर है, वो मेरठ में रहते हैं और बाकी सब भी वहीं रहते हैं। तो चिल्ला के बोलता है तो उसे इतना ही सुनाई देता है कि मेरी मम्मा जो है, मेरी मदर, वो मेरठ में रहती है करके। उसके बाद फिर एक बार उन लोग मिलते हैं, फिर वो उसके लिए अखबार निकाल के रखता है। लेकिन आज के दिन वो बच्चा जो है, जो न्यूज़पेपर बेचता है, वो ज़्यादा स्माइल नहीं करता या खुश नहीं होता उसको देख के। तो फिर वो बोलता है साइकिल वाला बच्चा, क्या हो गया, आज तुम खुश नहीं हो, बहुत उदास लग रहे हो? तो वो बोलता है कि मेरठ में कम्युनल रिवॉर्ड्स हुए हैं, मीन्स कम्युनल रिवॉर्ड्स मीन्स दंगे हुए हैं, जैसे कास्ट को लेके लोग लड़ाई करते हैं ना, तो वैसा ही दंगा हुआ है मेरठ में, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं। और ये जो दोनों बच्चे हैं समीर, ये दोनों एक दूसरे को समीर वन एंड समीर टू, समीर एक और समीर दो के नाम से बुलाते हैं। और वो जो पेपर न्यूज़पेपर बेचता है, वो बच्चा बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, और समीर वन जो है साइकिल पे रहता है, वो बच्चा बोलता है मैं हिंदू हूँ करके। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस को बताया गया है कि देखो ये दोनों बच्चे के कास्ट अलग है, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, एक बच्चा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उन्हें एक दूसरे से बात करने का मन करता है, तो वो अपने लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज या वो तरीका आप बोल सकते हो, निकाल लेते हैं एक दूसरे से बात करने का। तो इसे बोला जाता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस। वो दोनों बच्चे के कास्ट अलग है, लैंग्वेजेस अलग है ना, फिर भी वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पेज अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको कुछ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स बताने हैं जो इन दो बच्चों ने सेलिब्रेट किए होंगे। जैसे नॉर्मली हमें पता है कि हिंदू कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं और मुस्लिम कौन कौन से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइव्स? डाइवर्सिटी से हमारी लाइफ में क्या होता है? डाइवर्सिटी से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमारे फूड का टेस्ट, हमारे क्लोथ्स का टेस्ट, हमारे कल्चर का, ट्रेडिशन का, पूजा पाठ का, फेस्टिवल्स का, सारी चीज़ों में डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि सपोज करो आप एक राइटर हो या आपको एक स्टोरी लिखनी है, तो नॉर्मली अगर आपको स्टोरी लिखनी है तो आप डाइवर्स वर्ल्ड में रहोगे, मीन्स अलग 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 दुनिया में रहोगे जहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार की होगी, तभी आप स्टोरी राइट करोगे। तो आपकी स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग होगी, नहीं तो बोरिंग सी होगी। सपोज़ मान लो आप एक जंगल में रहते हो, आपको वहाँ रोज़ एप्पल खाना है, डियर और सिर्फ कैट देखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। मैं चाहूँगी कि आप सारे बच्चे एक इस चैप्टर को एक बार रीड करो, बहुत इजी लैंग्वेज में है और मैंने हिंदी में आपको एक एक चीज़ समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी कैसे आती है, क्योंकि हम सारे लोग अलग अलग प्रकार के हैं, हमारे जो दिमाग में सोचने का तरीका या काम करने का तरीका, वो सारी चीज़ें अलग अलग है। अगर हम एक जैसे ही रहते तो क्या हमारी सबकी स्टोरी अलग अलग होती? नहीं होती, सब सेम होती और वही बोरिंग सी लाइफ रहती हम लोगों की। ठीक है, डाइवर्सिटी इन इंडिया, अब बोला जा रहा है डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में कैसे है डाइवर्सिटी।
इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. इंडिया जो है बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के लैंग्वेजेस, अलग प्रकार का खाना, डिफरेंट फेस्टिवल्स और डिफरेंट रिलीजन्स है यहाँ पे. लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो ये सारे जो है सिमिलर है, ये सारी चीज़ें एक ही है, लेकिन बस हमें इसे करने का तरीका अलग है. जैसे प्रे करते हैं, मंदिर अलग अलग है, भगवान अलग अलग है, लेकिन हम जो प्रे करते हैं, हमारे अंदर जो फीलिंग्स है वो तो सबकी सेम ही रहती है. हम खुशी में खुश होते हैं सारे ह्यूमन बीइंग्स, दुख में दुखी होते हैं. ठीक है, जैसे हिंदू मुस्लिम देखते हैं कि हाँ दुख हो रहा है तो वो अलग प्रकार से दुखी होंगे, हम अलग प्रकार से, ऐसा तो कुछ है नहीं. ठीक है, सेलिब्रेशन भी जो है हम सब एक साथ खुशी से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, मुस्लिम्स भी उपवास करते हैं, हिंदूज भी उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सारी चीज़ें एक है, बस उनको करने का तरीका अलग है. अब जैसे अलग अलग स्टेट में रहते हैं तो वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है अलग रहता है. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जब अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले, जब एरोप्लेन, बस का कुछ भी नहीं था हमारे उसमें, लेकिन हम फिर भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे. कैसे जाते थे? शिप्स में, हॉर्स में, कैमल्स से, या फिर खुद से चल के. ठीक है, तो हमने क्या किया, धीरे धीरे हम नए नए जगह जाने लगे. वहाँ जाके हम अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार वहाँ रहना शुरू किया. तो धीरे धीरे जो है हम, हमारे अंदर डेवलपमेंट होने लगा, ग्रोथ होने लगा. ठीक है, तो कुछ जगहों पे क्या है, पीपल थोड़ा सा चेंज हुए, फिर अपने आप को मैनेज किया वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. ठीक है, वहाँ के रिलीजन के अकॉर्डिंग, वहाँ का म्यूज़िक कैसा है, वहाँ का सॉन्ग कैसा है. तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई और हमें पता चला कि दुनिया में और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं. ठीक है, और हमने उस अलगपन को, वो जो उनका टेस्ट है, उसे अपनाना शुरू किया. ठीक है, तो फिर हम, हमारे अंदर जो है भाईचारा बोलते हैं, जो फीलिंग्स होती है, फ्रेंडशिप की फीलिंग्स डेवलप हुई. और इसी से बोला जाता है कि इंडिया में यूनिटी है डाइवर्सिटी के बावजूद. मींस यहाँ भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, फिर भी उनमें एकता है. ठीक है, सपोज हम लोग अगर किसी रीजन को लेके, किसी एक पर्टिकुलर एरिया या प्लेस को लेके बात करें, तो लद्दाख और केरला, ये दोनों का क्लाइमेट जो है, या यहाँ का रहन सहन, खान पान, या यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं, उनका प्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें अलग है. लद्दाख जो है, अगर आप देखोगे तो वो एक डेजर्ट एरिया है, जो कि माउंटेन रीजन्स के अंदर आता है. ईस्टर्न पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है ये, बहुत ही बर्फीला जगह है. यहाँ पे मोस्टली जो है पीपल नॉन वेज प्रिफर करते हैं, और पीने के पानी के लिए उन लोग समर डेज पे डिपेंड करते हैं कि कब बर्फ या स्नो पिघलेगा, फिर हमें पीने का पानी मिलेगा. और वहाँ पे जो है शिप रियर करते हैं, मीन्स शिप के से वुल निकालते हैं उन्हें रियर करके, जिसको पश्मीना वुल बोला जाता है, कि ये बहुत ही स्पेशल वुल होता है जो बहुत ही महंगा होता है. ये लोग क्या करते हैं, जो पश्मीना वुल है उसे कश्मीर में सेल कर देते हैं, कश्मीर के ट्रेडर्स को या बिजनेसमैन को, और वो जो है वहाँ पे उससे शॉल बना के उन्हें सेल करते हैं, जो कि बहुत ही महंगा होता है. ठीक है, और यहाँ के लोग जो है मीट या मिल्क प्रोडक्ट जैसे चीज़, बटर, ये सारी चीज़ें खाते हैं. गुड. और ये लद्दाख जो है एक बहुत ही अच्छा रास्ता या बहुत ही अच्छा प्लेस माना जाता है ट्रेडर्स के लिए, जिसको आज की डेट में तिब्बत कहा जाता है. और ये कैरावंस कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स. और ये क्या कहते हैं, वहाँ पे टेक्सटाइल या जो मसाले होते हैं या जो सिल्क या कारपेट्स होते हैं वो यहाँ पे सेल करते हैं. मतलब बताने का ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस होता है. इसका क्लाइमेट, इसका
क्या बोलते हैं, एटमोसफेयर, यहाँ के लोग, यहाँ का खान पान सारा कुछ अलग है, लेकिन फिर भी लद्दाख में बिजनेस होता है। वैसे ही अगर हम केरला की बात करें और बुद्धिज्म जो है तिब्बत लोगों के पास पहुंचा कैसे, लद्दाख से। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है, लिटिल तिब्बत, ठीक है। इस्लाम जो है इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ पे 400 साल पहले, और यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ के जो लोकल ट्रेडिशंस, लोकल पीपल है जो लद्दाख के, वो एक सॉन्ग गाते हैं जिसको हम इनका नेशनल सॉन्ग भी बोल सकते हैं, केसर सागा, जो कि मुस्लिम और बुद्धिज़्म दोनों ही लोगों द्वारा गाया जाता है, ठीक है। अब हम केरला की बात करें तो ये साउथ वेस्ट कॉर्नर, इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक जगह है जो कि सी से एक साइड से सराउंडेड है और एक साइड में इसके हिल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस जैसे कि पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। इट इज स्पाइसेस दैट मेक दिस रीजन मोर अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा केरला में क्या मिलते हैं, स्पाइसेस मीन्स मसाले, जैसे कि लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बिजनेसमैन लोग को क्या चीज़ अट्रैक्ट करता है, तो ये सारे स्पाइसेस। यहाँ पे जैविश और अरब ट्रेडर्स सबसे पहले थे जो जो यहाँ पे आए थे, और वो बिलीव करते थे कि 2000 पहले, सबसे पहले अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस यहाँ पे सबसे पहले आए थे केरला में, और उन्हें ही क्रिश्चियनिटी मींस जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उन्हें मतलब वो कल्चर को या उस रिलीजन को डेवलप करने का क्रेडिट जो है सेंट थॉमस को जाता है, ठीक है। केरला में जो क्रिश्चियनिटी रीजन रिलीजन है उसे डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो सेंट थॉमस को जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे अरब ट्रेडर्स आए और सेटल हुए 700 इयर्स अगो। वो यहाँ पे मुस्लिम्स भी आए, मुस्लिम्स के भी लाइफ्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, और द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। तो यहाँ पे सी रूट भी डेवलप किया गया जो वास्को डी गामा में ने डेवलप किया, ठीक है। यहाँ पे फिशिंग नेट्स यूज होते थे क्योंकि केरला में मोस्टली सी साइड पे था, तो वहाँ पे फिश वगैरह, कोकोनट और राइस वगैरह ज़्यादा ग्रो होता था, तो इसलिए वहाँ के लोगों का फूड हैबिट ये सारी चीज़ें खाने का था, ठीक है। इसके बाद देखो, अब ज्योग्राफिकल फीचर से देखा जाए तो केरला और लद्दाख जो है दो अलग अलग प्लेसेस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रेड होता है, लोग यहाँ से एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इंडिया को कहा गया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और आपको पता होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्हें लगा कि अरे यहाँ पे तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं इंडिया में, तो उन्हें हम तोड़ के अपना राज चला लेंगे। लेकिन जलियांवाला बाग में क्या हुआ, सारे कास्ट के लोग आए थे और जनरल डायर ने वहाँ पे गोली चला दी, जिसकी वजह से सबका खून बहा, सारे लोगों की मौत हो गई। तो उनके ऊपर ये सॉन्ग है, ठीक है। तो इस सॉन्ग में लिखा हुआ है कि उस दिन को मत भूलो और अपने आंसू बहाओ, क्योंकि उस डेजर्ट गार्डन में, उस रेतीले गार्डन में लोगों ने अपनी खून बहाए हैं, और उसमें हिंदू और मुस्लिम सारे लोग थे, हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, जिनका खून एक साथ बहा। और जेल में भी अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, हमें अपनी आज़ादी पाने के लिए जेल में भी जो लोग हमारे लिए शहीद हुए या जो सोल्जर्स थे वो भी अलग अलग कास्ट के थे, जिनकी वजह से आज हमें देश आज़ाद मिला है। इसलिए फाइनली इस पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, पूरे चैप्टर को समझने का या इतना एग्जाम्पल देने का मेन एम है
कि समझना डाइवर्सिटी क्या है, जो डिफरेंसेस होते हैं उसे डाइवर्सिटी कहा गया है। और इंडिया जो है डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो दोबारा देखना और चैप्टर को अच्छे से रीड करना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।